हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज मेरे घर पे आया है माइक और मैं जा रही हूँ माइक चेक करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, तो फाइनली मैंने माइक ऑर्डर कर लिया है। तो उसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि माइक कैसा है। दोस्तों, ये देखिए, ये है माइक और मैंने माइक ऑर्डर किया था क्योंकि जो मेरे फ़ोन में जो वॉइस क्वालिटी थी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। मतलब उतनी भी गंदी नहीं थी, अभी तक मैं काम चला रही थी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी माइक की, इसलिए मैंने माइक ऑर्डर किया है। तो मैं जा रही हूँ इसका अनबॉक्सिंग करने और देखते हैं ये कैसा माइक है। ये है ग्रिनालो कंपनी का माइक और ये डुअल माइक है, दो लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर एक की बैटरी जाए तो आप सेकंड वाला भी यूज कर सकते हो। और मैं जा रही हूँ इसको यूज करके देखने कि ये कैसा इसका साउंड क्वालिटी है। अगर अच्छा रहेगा तो फिर मैं इसको रखूँगी। और इसका जो प्राइस पड़ा है, ये पड़ा है 2800 का, मुझे डिस्काउंट में मिला क्योंकि अभी सेल चल रहा है इसकी वजह से। और ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में यूज कर सकते हैं, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिया क्योंकि फ्यूचर में हो सके तो मैं आईफोन भी लूंगी, तो दोनों के साथ यूज कर सके। चल बाय, अभी मैं छोड़ने चलूंगी, तुझे चले जाएगी। चले जाऊंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और तू रहे आराम से, मैं चली जाऊंगी क्योंकि टक्को अकेला पड़ जाएगा घर में इसके लिए। और मैं आती हूँ ठीक 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, चल। तो अभी मैं टक्को को भी बाय बोल दूं। मैं जान ली हूँ टाको, फिर आऊंगी 2-3 दिन बाद। दही सर, ओके, फाइनली ऑटो मिल गया यहीं से, वरना मुझे रोड क्रॉस करके जाना पड़ता। अभी मैं निकल रही हूँ दही सर। सर स्टेशन पहुंच गई और यहां से टिकट लूंगी टिटवाला के लिए, डायरेक्ट टिटवाला ले लूंगी ताकि मुझे बीच में टिकट ना लेना पड़े। और ट्रेन देखते हैं कितने बजे से है, पहले टिकट निकाल लेती हूं फिर देखती हूं। जो भी ट्रेन मिलेगी मुझे दादर का, मैं फास्ट लूंगी क्योंकि लेट हो रहा है। टिटवाला चाहिए एक। फाइनली मुझे टिकट मिल गया है और टिकट का जो प्राइस है 25 रुपये लगा है। और मैं वेट करूंगी अभी ट्रेन का। जो मेरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, दादर है, 6:30 बजे है, फास्ट है क्योंकि मुझे फास्ट ट्रेन चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, घर जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। पहुंच गई हूँ और दादर आधे से ज़्यादा भीड़ का सामना करने को नहीं मिला, बट यहाँ से आगे जो जाऊँगी ना बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा, ट्रेन में भी भीड़ मिलेगा क्योंकि मैं इवनिंग में निकली हूँ इसके लिए। और भाग के चलते हैं वरना जो मेरी ट्रेन है कसारा वाली छूट जाएगी। दोस्तों, मैं टिटवाला ट्रेन छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी मैं कल्याण ट्रेन ले रही हूँ फर्स्ट वाला, क्योंकि मुझे जाना है, जितना टाइम यहाँ पे रुकूँगी बहुत ज़्यादा भीड़ होता जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि कल्याण में चली जाती हूँ और कल्याण से मैं ट्रेन चेंज करके आगे टिटवाला के लिए ले लूँगी, यही बेस्ट रहेगा। अगर टिटवाला स्लो मुझे मिल गया ना, टिटवाला हो, कसारा हो, यासन का हो, तो मेरी बैंड बच जाएगी, 1 से 1.5 घंटा पहुँचूंगी प्लस भीड़ बहुत ज़्यादा, तो उससे उचित है कि कल्याण ले ले। फाइनली दोस्तों मुझे ट्रेन मिल गई, बहुत ही मुश्किल से मिली, मैं तो अंदर दब गई थी। और ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो ये सूज गया है, ये एक्चुअली ऐसे मुड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है और सूजने के साथ साथ पेन भी हो रहा है इसमें। अभी मैं घर जाके देखती हूँ कि मैं इसका क्या उपाय कर सकती हूँ। ये देखिए इधर ब्लैक पड़ा है, ये ना हाथ पूरा का पूरा मुड़ गया था और निकल ही नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से चढ़ी हूँ। मैं कल्याण पहुँच गई हूँ और ये जो ट्रेन थी बहुत ज़्यादा लेट थी, 1 से 1.5 घंटा ट्रेन लेट थी। मैं 7 बजे बैठी और ट्रेन का जो टाइम था कल्याण छोड़ने का 8 बजे, बट छोड़ा है 9:30 बजे। अब मैं दूसरी ट्रेन ढूंढ रही हूँ, अगर कोई ट्रेन मिल जाती है कसारा, आसनगांव या टिटवाला तो उसको लेके मैं घर जाऊँगी। और यहाँ पे पानी बहुत ही तेज के हो रहा है, प्लस मेरा गला सूख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पानी
कुछ ले लेती हूँ जो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। छोटा वाला थम्स अप कितने का है? एक दे दो। और ठंडा है दे दो। तो टिटवाला आते आते रात के 10 बज गए और मैं निकली थी 7 बजे की। पूरे 3 घंटे में टिटवाला पहुँची हूँ। और आज का जो ट्रैवलिंग रहा मुझे हमेशा याद रहेगा, इतना कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। तो देख सकते हो आप अभी भी कितना ज़्यादा भीड़ है। उस तरफ से मुझे ऑटो लेना पड़ेगा। दोस्तों आज है सेकेंड डे मेरा टिटवाला में। कल आई थी रात में, उसके बाद मैं पूरी रात पूरा दिन सोई हूँ आज का। तभी भी जाके जो हरासमेंट है कम नहीं हुआ, हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं ट्रेन में 1 से 1.5 घंटे खड़ी रही। इसकी वजह से कल बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। और अभी हो रहे हैं रात के 9 और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि नीचे चल रहा है पूजा आरती। मम्मी ने मुझे बोला कि रेडी होके नीचे आ जा। दोस्तों हमारे सोसाइटी में माता रानी का चौकी रखा गया है आज। मैं रेडी हो गई हूँ जगराता में जाने के लिए। मैं एकदम सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ और मैंने पहना है सूट। ये जो सूट है ये है मैरून कलर में और आज सारे लोग नीचे पहने हैं ऑरेंज। मेरे पास ऑरेंज ड्रेस नहीं है तो इसकी वजह से मुझे ये पहनना पड़ा। और क्या चल रहे हैं भाग के नीचे नीचे जगराता हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। और हमारे यहाँ के सारे लोग नीचे चले गए हैं, बस मैं और ये सुगंबर बच गए हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं विदाउट चप्पल। चल आ जा। सही है, चप्पल लेके क्यों जाना जबकि नीचे ही हो रहा है। कोई शेरावाली बन के पुकारता है,
है बेटा, बेटा, बेटा। सुनाई दिया किसी को? रिया। ये रिया माता है, मॉडल माता। और ये कौन सी माता है? दिव्या माता। आप? सोनम। क्या बात है भाई, ताली बजाइए इनके नाम पे। वैष्णो माता बता रही है कि छोटी सी कृपा दोस्तों। रात के हो रहे हैं 12 और मैं आ गई हूँ घर पे। मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुकी थी और मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे सॉन्ग सुने, बड़ा मज़ा आया। मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसके वजह से, लेकिन मम्मी पापा सचिन और एक अंकल हैं, उन्होंने धूम मचा दिया। मतलब हर गाने पे ये लोग डांस किए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत टाइम बाद मैं जगराता में शामिल हुई। वैसे बहुत मज़ा आता है अगर आप जगराता में जगते हो जाते हो तो। और अभी रात के 12 हो रहे हैं, मैं घर आ गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसके वजह से मैं पूरी रात वहाँ नहीं रुकने वाली थी। मैंने पहले सोची गई थी कि मैं जाऊँगी, 2-3 घंटा वहाँ रुकूँगी, माता रानी से प्रेयर करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे मांगनी है मैं मांगूँगी और उसके बाद घर आ जाऊँगी। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, फिर थोड़ा सा खाऊँगी खाना और उसके बाद सो जाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा जगराता, और मिलते हैं फिर से कल। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।